नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। अमरवाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हुआ जमकर स्वागत। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अमरवाद पहुंचे, समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लाइन पर रामलीला मैदान में भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता के समर्थन में बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा में बेहतर कानून व्यवस्था और विकास किया है। जब गठबंधन बना था तो अखिलेश यादव 400 सीटों का सपना देख रहे थे, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद 40 सीटों का भी दावा करने के लायक नहीं रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए लक्ष्मी चाहिए और लक्ष्मी कभी हाथ साइकिल या हाथी पर बैठकर नहीं आती। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पर बैठकर आती, इसलिए लोगों को वोट डालते हुए समय यह ध्यान रखना होगा, लक्ष्मी चाहिए तो कमल का बटन दबाना होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार में जिलों के थाने गुंडे चलाते थे, प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे। उन्होंने कहा 2017 में भाजपा जब सत्ता में आई तो सब कुछ बदल गया, पूरे 5 साल में कोई भी गुंडा राज नहीं रहा। कहा कि मुरवाद के लोग से अपील है कि जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों को विजयी बनाएं। सार्वजनिक सभा में धर्मेंद्रनाथ मिश्रा, विनोद अग्रवाल, डॉक्टर सफवाली सिंह, जयपाल सिंह बैस, साध्वी गीता प्रधान, अमित गुप्ता, राजेश रस्तोगी, संजीव वाल्मीकि आदि पदाधिकारी व भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो मैं चाहत लेकर के आया हूँ कि विरोधियों की जमानत जब्त करो और किसी की तरह प्रचार करना है, करोगे? हाथ उठाकर सब लोग बताओ, सब लोग ये बताओ। अगर 14 तारीख को कमल खिला, और कल से ही मैं तो सोचा था कि 10 तारीख को 11 बजे समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेताओं का 12 बजेगा, लेकिन पहले चरण में ही जनता ने इनका 12 बजाना 10 फरवरी से ही शुरू करा दिया। अब 14 फरवरी को आपको करना है। जब आपके बीच में आया हूं 2017 से, आप सबको मालूम है मैं नगर निगम के चुनाव में भी आया था, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में रितेश जी के लिए अपील करने के लिए आया था, फिर लोकसभा के चुनाव में भी आपके बीच में आया था, और आज फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में। शाम को प्रचार की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और 14 तारीख को मतदान होना है। मुझे चारों तरफ से मंच में भी अगल बगल जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं वहां भी बता रहे, सामने से भी आवाज आ रही है कि इस बार मुरादाबाद जिले की 6 की 6 सीटों को रितेश गुप्ता जी सहित जिता करके मुरादाबाद की जनता सिक्सर लगाने वाली है, छक्का लगाने वाली है। नगर सीट के मैं अपने श्री रितेश गुप्ता जी के लिए आप सभी का आशीर्वाद मांगता हूं। वहीं देहात से श्री के मिश्रा जी के लिए आशीर्वाद मांगता हूं, और कुदरती से अपने कमल प्रजापति जी के लिए कमल के फूल पर कमल जी के लिए आशीर्वाद मांगता हूं, और कांड से राजेश चुन्नू जी के लिए आशीर्वाद मांगता हूं, और बिलारी से परमेश्वरी लाल सैनी जी के लिए आशीर्वाद मांगता हूं, और हमारे ठाकुर द्वारा से अवध प्रताप सिंह के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे सिक्सर चाहिए, मुरादाबाद वालों के अंदर इतना दम है कि सीधे एक गेंद को जोर लगा करके बाउंड्री लाइन के बाहर कर सकते हैं, और आप छह सीटें नहीं दोगे, सपा बसपा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से बाहर कर देने का काम कर दोगे। मैं आप सबसे यही आशीर्वाद मांगता, दोगे आशीर्वाद? दोनों हाथ उठा के बोलिए। मैं बस आज के दिन इतनी ही अपील करता हूँ, बहुत बातें करने की इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार कि 10 मार्च के बाद, 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, अभी तो मुझे प्रचार में जाना पड़ेगा बहुत जगह, लेकिन 10 मार्च के बाद आप सबके बीच आना चाहता हूँ। बुलाओगे तो मेरे मुरादाबाद और मेरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों में से जो गरीब है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, एक कमर के फूल की बटन, एक पक्का मकान गरीब को बना करके देने की ताकत देने का काम करेंगे। एक गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगा, लेकिन इसी कमल के फूल से आप हमें जो ताकत देंगे, बड़े से बड़े गुंडे और अपराधी को सजा दिलवाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, वह करने का काम करेगा। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर यह जब गठबंधन बना तो 400 सीटों का सपना श्री अखिलेश यादव जी देख रहे, अब 40 का भी दावा करके आप सबकी गुजिया खाऊं, यही आज के दिन निवेदन करके आप सबको प्रणाम करके आप सबसे कमल के फूल की बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के रितेश गुप्ता जी सहित मेरे सभी जिले के प्रत्याशियों को भारी अंतर से विजयी बनाएंगे, या आशीर्वाद मांगते हुए सबसे अपील करते हुए, और सब लगातार अब जब तक
मतदान नहीं हो जाता है तब तक विश्राम नहीं लेंगे। इस संकल्प के साथ पहले मतदान फिर जलपान या संकल्प लेकर के आप जाएं, यही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये ध्यान रखना, मैं यूपी में आपका सर नहीं झुकने दूंगा और मुरादाबाद में मेरा भी सर मत झुक जाने देना। ये आप सब लोग ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।